हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी मैं, हाँ बिल्कुल सुबह का टाइम है, तो मैं अरबी का पत्ता तोड़ने के लिए यहाँ सामने आई थी और इसका आज पकोड़ा बनाऊंगी। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, पसंद आएगा तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे अभी छोटे छोटे से पत्ते हैं और एक दो बड़े पत्ते भी हैं। तो अभी इसको तोड़ कर किचन में चलते हैं। अरबी का पकोड़ा बहुत टेस्टी बनता है ये। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिए हैं बड़बट्टी है, ये बोड़ो भी कहते हैं इसको। तो इसकी सब्जी भुजिया बनाऊंगी मैं इसकी। तो इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये अपने खेतों से ही, खेतों का में खूब सारा फला हुआ है अभी, तो इसको अभी काट करके रख लिए हैं। और इसको बहुत आसान है बनाना और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो देख सकते हैं इसको छोटे छोटे टुकड़े मैंने अभी करके रखे हुए हैं। अभी मैंने सब्जी चढ़ा दिए हैं और दूसरी तरफ चावल भी चढ़ा हुआ है। तो ये बरबट्टी का भुजिया मैंने चढ़ाए हुए हैं, तो देख सकते हैं अभी कितना अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसमें कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें जीरा, सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च और प्याज डाल के भून लिया। और उसके बाद बरबट्टी भी साथ में भुने। और इसके बाद देख सकते हैं अभी इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल दिए हैं और इसको ढक करके अब इसको पकने के लिए रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं आज मैंने अपने बालों को खोल करके बांधे हुए हैं क्योंकि ना मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी, अभी भी मतलब ठीक नहीं हुआ है। सिर में जैसे कलाचर लगाने से ना, एक साइड में ऐसे जूरा करके रहने से इतना सिर में दर्द हो गया है अंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अभी भी ठीक नहीं हुआ है, जिस वजह से मेरे पिछले ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं हो पाए। तो अभी मैंने पूरा बिल्कुल तेल भी लगाया हुआ है, देख सकते हैं अच्छे से बिल्कुल ठंडा तेल लगाया था। सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है जो कि ठीक भी नहीं हो रहा है, दो दिन से लगभग लगातार भी हो रहे हैं, दवाई भी खाए तब भी नहीं हुआ। फिलहाल अभी चावल जो रखे हैं, पानी गर्म हो गया है तो चावल धुल लिए हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी जिस वजह से मैं क्लचर लगा के बाल को ऊपर करके बांध के रखती थी, लेकिन मतलब बाल खोल के ऐसे रखने में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और मतलब ठीक नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में बाल ऐसे खोल के बांधना पड़ रहा है। चावल धो लिए हैं और इसको जब पानी गर्म हो जाएगा तो बड़े बर्तन का जो तसला में जो पानी दिया है, तो तब पानी गर्म होने के बाद चावल डालेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्रंट से करके आप कैमरा सामने रखो तब आप व्लॉगिंग करो, तो संभव नहीं हो पा रहा है मुझसे क्योंकि देख सकते हैं आगे ऐसा कैमरा रखने का जगह नहीं है, तो मैं कैसे रख सकूं। और ये जो कैमरा है वो मैं फ्रिज पे करके स्टैंड करके रखती हूँ क्योंकि मेरे पास ट्रैपॉड नहीं है, तो इस वजह से। और सामने ऐसा कोई जगह नहीं है जिस वजह से मैं फ्रंट में कैमरा नहीं रख पाती हूँ ऐसा। और इससे बड़ा कोई मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है मुझे सामने रखने में, लेकिन जगह होती तो मैं ज़रूर रखती। यहाँ पे दाल भी मैंने घाट लिया है अच्छे से, तो अभी इसको तड़का छौंक दूंगी बाद में। तो देख सकते मैंने इसमें गर्म पानी ही डाला है दाल में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में लास्ट में हम लोग आज शाम में ना खाने वाले हैं कुछ अच्छी चीज़ें, तो आपको दिखाऊंगी। आप लोग अगर उसको खाया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और अभी पानी गर्म हो गया है तो अभी इसमें मैं चावल डाल दे रही हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये बरबट्टी वाला, बोरो वाला भुजिया बन के तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है आप लोग बताइए कमेंट करके। दोस्तों देख सकते हैं यही है वो जिसके बारे में मैं कह रही थी कि कुछ अलग आज हम लोग खाने वाले हैं। तो इसका नाम हम लोग ऐसे फल नाम ही है इसका,
ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। पहले इसको छीला जाता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा पक गया है और देख ही सकते हैं थोड़ा सा रेड हो गया है, ऐसे पका हुआ पीला ज़्यादा हो गया है। तो पर हम लोग कोई बात नहीं खाएंगे, साल में एक ही बार ये सीज़न में इस महीने जून के समय में ये होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और क्योंकि साल में एक ही बार आता है तो सब लोग बड़े खुशी से खाते हैं इसको। सो अभी इसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये गुच्छे में फलता है और काफ़ी मजबूत होता है। तो इसको अभी हंसुए से इसको काटा जाएगा, हाथ से नहीं टूट रहा था। आप सभी लोगों में से किन किन लोगों ने इसको खाया है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ये देख सकते हैं छीलने के बाद ये अभी ऐसा दिख रहा है, और इसको अब हम लोग छेबा जाता है हंसुए से। तो देखेंगे आप लोग कैसे इसको छेबा जा रहा है। ये देखिए काफ़ी सावधानी पूर्वक इसको छेबते हैं, और तब जाके बड़ी मेहनत के बाद इसके अंदर से कुछ खाने वाला निकलता है। तो ये देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद अंदर से आँख जैसा छोटा छोटा दिख रहा है उसी को खाते हैं लोग। तो ये बिल्कुल पानी इसमें भरा होता है, और इस तरीके से इसको पहले निकालेंगे। और ये देखिए मैं खा रही हूँ, तो इसके ऊपर एक वाइट कलर का मोटा सा कवर लग जाता है जब ये ज़्यादा पक जाता है। तो इसको पहले निकाल देती हूँ, ये मुझे कड़वा थोड़ा लगता है। और जब ये थोड़ा सा कम पका रहता है तो इसकी मतलब ज़्यादा इसके अंदर पानी ढेर सारा भरा रहता है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये रहता है। तो अब इसको मैं अब खा के इसका मज़ा ले रही हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अगर आपने अभी तक यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खाने मन कर रहा है, बनिया नहीं लग रहा।